गोंडा में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बाप ने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए में बेच दिया। बेटी की माने तो उसके पिता ने कुछ समय पहले उसकी शादी एक दिव्यांग लड़के से की थी, जहां उसके ससुर की उसके ऊपर गंदी नजर थी। ससुर नाजायज संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। बात न बनने पर ससुर ने बताया कि वो उसे 2 लाख रुपए में खरीद कर अपने घर लाया है, जिसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने पिता और ससुर के खिलाफ तहरीर दी। हुआ यह है कि 2 लाख रुपया लेके पापा हमारे शादी की हिन्न है, हमार ससुराल वालन से 2 लाख रुपया लेके हमार शादी की हिन्न है, और बहुत जबरदस्ती शादी की हिन्न है। उसके बाद में यहाँ जब हम पहुँचन हुआ अपने ससुराल गए, तो जब ससुराल पहुँचन तो लड़का कोनो लायक नहीं नू रहा, कानो है विकलांग रहा, विकलांग के साथ साथ कोनो लायक नहीं रहा। ओके साथ बुढ़ऊ दुखे दूसरे दिन बुढ़ऊ गलत कामे पर यहाँ अगुवाई गए, गलत काम कीन चाहत रहे, और कमरम हमरे हिल गए, पल्ला बंद के यहाँ सोत रहन, कमरम हिल गए, तो वे गलत काम कीन चाहत रहे। फिर जब हम बतावे लागेन जैके साथे शादी भय बतावे लागेन, तो वे कहें 2 लाख रुपए से तू कहाँ खरीदे हैं, जौन चाहब तौन हम करब। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक महिला का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने ससुरालीजनों पर तथा माता पिता पर कुछ आरोप लगाए हैं, जांच करके और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो लड़की के किस तरह के आरोप हैं और उसने क्या आरोप लगाया है प्रार्थना पत्र? उन्होंने अपने ससुरालीजनों पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं तथा अपने पियर वालों पर आरोप लगाए हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी गई है, ऐसी बात संज्ञान में आई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी ससुर और पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता को जल्द ही न्याय दिलाने का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद्र शर्मा की रिपोर्ट।